सो so, सहेगा hey आज का ये वीडियो होने वाला है चिकलेट फिश के ऊपर स्पेशली डेडिकेटेड चिकलेट फिश की ट्वेंटी बेस्ट एंड ब्यूटीफुल टाइप्स ऑफ चिकलेट्स क्या क्या आता है देखिए आज का वीडियो में मैं डिफरेंट वेराइटीज़ का बताऊंगा चिकलेट्स में देखिए बहुत सारा आता है मालवी आता है नॉर्मल मालवी बटरफ्लाई आता है जेबरास आते हैं मालवी जेबरास टांगानिया का चिकलेट्स आता है साउथ अमेरिकन आता है ये सब आता है तो मैं सबका मिक्स करके बताऊंगा आज का वीडियो में मैं इस सब से कुछ अच्छा अच्छा ट्वेंटी फिशेस को पिक किया उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं प्राइस रिलेटेड क्वेश्चन इधर ना पूछना ठीक होगा क्योंकि आज का वीडियो मैं प्राइस रिलेटेड नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे वीडियो लंबा चल जाएगा क्योंकि ट्वेंटी भाई बहुत ही ज्यादा है सिर्फ आप लोग को ब्यूटी देखना है उन लोग का उसके बाद मेरे को बोलना है आप लोग को इनमें से कौन सा कौन सा सबसे पसंद आया सो so गाइस आज का वीडियो शुरू करने से पहले गाइस ये वीडियो को लाइक कर देना लाइक के बिना कहीं मत जाना और ऐसा और वीडियोस इन फ्यूचर रेगुलरली देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं so, सो पहले मैं आ, जो है जो साउथ अमेरिकन चिकलेट्स है उसके बारे में बता देता हूँ साउथ अमेरिकन का उसमें नंबर वन में मैं जो रखा हूँ वो है राम चिकलेट्स राम चिकलेट्स वन ऑफ़ द मोस्ट ब्यूटीफुल चिकलेट्स है आप लोग को भी पता होगा राम चिकलेट्स बहुत ही अभी कॉमन हो गए बहुत ही कॉमन हो गया राम बहुत किसी के पास है इवन ब्रीड भी करता है एंड राम इज वन ऑफ माई फेवरेट साउथ अमेरिकन चिकलेट मेरे को भाई बहुत ही पसंद आता है इसका कलर नंबर टू में जो है और साउथ अमेरिकन तो है ही वो है पैरेट पैरेट फिश गाइस पैरेट फिश भी साउथ अमेरिकन में आता है पैरेट फिश तो भाई मतलब आई थिंक सबसे कॉमन है पैरेट फिश एज अ चिगलट नहीं मतलब एज अ लोग उसे ब्रीडिंग के लिए पालते हैं क्योंकि ब्रीडिंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट कभी कभार मिल जाता है किसी किसी को आ, किसी किसी को नहीं मिलता है दूसरा साउथ अमेरिकन के साथ करवाना पड़ता है मेरे को जितना आइडिया है या तो फर्टाइल नहीं होता अगर सेम सेम करवाएंगे ऐसा कुछ होता है लॉजिक बट लेटर डाउन उसके बारे में बताऊँगा अभी तो उसका आइडिया नहीं है मैं पैरेट उतना अच्छे से नहीं किया सो गाइस पैरेट भी आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है आज अभी थोड़ा जो है प्राइस हाई जा रहा है जो ब्लड पैरेट है बट स्टिल बहुत ही कॉमन है और नंबर थ्री में जो है वो भी एक साउथ अमेरिकन है बट ये जो है बहुत सारा चिकलेट का मिक्स करके बनाया गया है अभी तक पता भी चल गया होगा मेरे पास भी कल ही अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाया था जो कि नन अदर देन फ्लावर हॉन फ्लावर हॉन बहुत सारा चिकलेट का मिक्स है आप लोग को भी पता होगा फ्लावर हॉर्न तो भाई सबसे फेमस आ रहा है मतलब ये सब पैरेट फ्लावर हॉन भाई कॉमन बात हो गई मतलब फ्लावर हॉन तो लोग पालते ही है फ्लावर हॉर्न पैरट्स ये सब भाई कॉमन चल रहा है एंड दैट्स वाई ये भी बहुत ही मेरे को पसंद आता है एंड दैट्स वाई मैं इसे ऐड कर दिया और इसके बाद जो है मैं थोड़ा लार्ज ग्रुप में घुसता हूँ तो लार्ज में नंबर फोर तो बोलता हूँ अभी तो थ्री बोला है इसके बाद फोर नंबर में जो है जो कि है फायर माउथ फायर माउथ चिकलेट आप लोग देखे होंगे उसका जो आ, जो ऑपरेशन होता है रेड कलर होता है पूरा डीप रेड एंड दैट्स तो वाई फायर माउथ कहलाया जाता है एंड फायर माउथ भी बहुत सुंदर देखने में होता है और नंबर फाइव में जो है वो है शिब्रम अब शिब्रम तो Uh, मेरे पास मैं जो कुछ दिन पहले रेस्क्यू वीडियो दिखाया था उसमें आप लोग देखे होंगे सिबरम का साइज़ मतलब बहुत पूरा एडल्ट साइज था मस्त मस्त उसे ही सिबरम कहता है सिब्रम भी गोल्डन में आता है ग्रीन में आता है एंड बहुत ही सुंदर लगता है सिब्रम ब्रीडिंग भी इजी है मेल फीमेल रखना होगा एंड एडल्ट साइज में जाके अगर ठीक से रखेंगे तो ब्रीड भी कट जाएगा उसके बाद नंबर सिक्स में जो है वो है इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डेमसी ये देखिए ये फिश है मैं आज तक पाला तो नहीं हूँ बट स्टिल मैं इसका वीडियो फोटो सब कुछ देखा ऑलरेडी मैं बहुत सारे ऐसा ग्रुप में हूँ एक्डियम्स का जिसमें मैं देखता हूँ ये सब वीडियोस और मेरे को भाई पसंद आते हैं दैट्स वाई ये लिस्ट में जो है मैं इसे ऐड कर दिया भाई मेरे को बहुत ही पसंद आया नंबर सेवन में जो है वो है ग्रीन टेरर ग्रीन टेरर भी थोड़ा बहुत लोग पालते हैं अभी जो है ये सब फिश चिकलेट देखिए ये टाइम पे ना बहुत ही फेमस हो रहा है मतलब स्पेशली मालावी में मालावी भाई बहुत ही फेमस हो रहा है आई डोंट नो भाई बट बहुत ही फेमस जा रहा है ये सब जो चिकलेट है इजीली लोग पालते हैं ग्रीन टेरर भी वैसा ही एक लिस्ट में आता है नंबर एट में जो है जो कि अभी भी मेरे पास है सबसे फेमस चिकलेट जो कि नॉर्मली मिल भी जाता है वो है ऑस्कर्स कैसे ऑस्कर भी चिकलेट ग्रुप का फिश है और इसका साइज़ जो है भाई बहुत ही बड़ा होता है एंड देट ये बहुत ही फेमस है मेरे को तो पर्सनली ऑस्कर बहुत ही पसंद आता है जो कॉपर होता है मैंगो होता है सुपर रेड होता तो है बहुत सारे ऐसे वेराइटीज आता है और मेरे को हर एक जो ऑस्कर है बहुत ही पसंद आता है मेरे को एक सेपरेट ऑस्कर टैंक कभी ना कभी तो बनाना है उसके लिए मिनिमम थ्री पॉइंट या फिर फोर फीट टैंक देना बहुत ही बेस्ट होगा तो मेरे को ऑस्कर भी कभी ना कभी ब्रिड करवाना है मेरे मन में एक बार घुसा हुआ है ऑस्कर तो भाई कभी ना कभी कराऊंगा नंबर नाइन में जो है वो है टेक्सस फिश गाइस चिकलेटस चिकलेट भी मैं आज तक पाला तो नहीं एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ बट स्टिल मेरे को जो वीडियो में मैं देखता तो, हूँ मेरे को बहुत ही पसंद आता है और इसलिए ऐड कर दिया नंबर टेन में जो है पर यह लार्ज या फिर साउथ अमेरिकन का ग्रुप में नहीं है यह है टैंगा नीका में टेंगा आका में नंबर टेन में जो है वो है फाइव बर चिकलेट्स फाइव बर चिकलेट्स भी आप मैं आज तक नहीं देखा कोई भी मतलब पेट स्टोर बहुत ही कम लाता है फाइव पर हम लोग के इधर पर फाइव बर भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस है नंबर इलेवेंट में जो है वो है कॉन्विक्ट जूली चिकलेट कॉन्विक्ट जूली चिकलेट का पिक्चर देखिए आप लोग को होप करता बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि ये भी मेरे को बहुत ही पर्सनली पसंद आ गए नंबर ट्वेल्व में जो है वो भी टेंगनिया का में ही आता है एंड वो है ब्लू नियॉन चिकलेट ब्लू नियॉन चिकलेट भाई नाम सुनकर आपको पता लग रहा होगा कैसा कलर है फोटो में भी देखें एंड ब्लू नियॉन चिकलेट भी वन ऑफ तो द मोस्ट फेमस टेंगनिया का चिकलेट्स में आता है नंबर थर्टीन में जो है वो है मालावी जबरा में आता है वह है मतलब बहुत ही अभी ये टाइम पे फेमस हो चुका है बहुत ही आप लोग नाम सुने ही होंगे डेमासोनिक चिकलेट डेमासोनिक चलेट बहुत कोई ऐसा बोलता है भाई सेल के लिए है, ये है वो है और डेमासोनिक चलेट भी बहुत ही अभी फेमस हो चुका है ये भी मेरा बहुत ही पसंदीदा कलर में आता है नंबर फोर्टीन में जो है जो कि मालावी बटरफ्लाई में आ जाता है वो है सनसाइन पिकॉक सनसाइन पिकॉक भी अभी मैं सामने से नहीं देखा सच में एकदम ही बट स्टिल मेरे को पसंद आता है नंबर फिफ्टीन में जो है वो है बाई कलर पिकॉक बाय कलर पिकॉक भी अभी मैं उतना मैं पोस्ट नहीं देख पा रहा हूँ बाय कलर का मैं यूट्यूब में वीडियोस देखा बाई कलर पिकॉक का एंड ये भी बहुत ही एक खूबसूरत वाला चिकलेट फिश है नंबर सिक्सटीन में जो है वो है फ्लैफ सेंड पिकॉक फ्लैप एंड पिकॉक भी मैं सामने से नहीं देखा इवन अभी कोई सेल रिलेटेड पोस्ट भी मैं वैसा नहीं देख रहा हूँ इसका बट स्टिल यूट्यूब में देखा एंड दैट्स वाई मैं इसे भी ऐड कर दिया नंबर सेवनटीन में जो है वो है मालावी चिकलेट्स में आता है वह है फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक येल्लो चिकलेट यह ये भाई पूरा येल्लोइ कलर में आता है और ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है उसके बाद नंबर एट में जो है वो भी एक इलेक्ट्रिक का जो कि है इलेक्ट्रिक ब्लू इलेक्ट्रिक ब्लू चिकलेट इलेक्ट्रिक ब्लू चिकलेट आप लोग ऑफकोर्स देखे होंगे ये अभी कॉमन हो चुका है इलेक्ट्रिक ब्लू ऑफकोर्स मिल जाते हैं इजिली मिल जाता है और ये भी मेरे को बहुत ही पसंद आता है नंबर नाइन में जो है वो है रेड एम्प्रेस चिकलेट रेड एम प्लस चिकलेट भी सामने से नहीं देखा बट स्टिल पसंद आता एंड दैट्स वाई एडेड इन द लिस्ट एंड एट लास्ट नंबर ट्वेंटी में जो है जो कि मेरा चिकलेट में एक फेवरेट है देखिए इसमें से मैं बोलूंगा नहीं सबसे मेरा फेवरेट कौन सा है क्योंकि भाई मैक्सिमम मेरे को पसंद आता है फॉर एग्जाम्पल ऑस्कर्स फ्लावर हॉर्न पैरट कॉन्विक चुली उसके बाद ब्लू अनियन उसके बाद जो है सनसाइन uh, पिकॉक जो आता है इलेक्ट्रिक ब्लू ये सब बहुत ही पसंद आते हैं फार्म हाउस ये सब बहुत मेरे को पसंद आता है डेट्स वाई मैं बोलूँगा नहीं फेवरेट कौन है बट स्टिल इन द लिस्ट नंबर ट्वेंटी में जो आता है जो कि मेरे को पहले से बहुत पहले से मैं एक बार भी जब देखा था मेरे को बहुत ही पसंद आया था जो कि नान आता आता है डॉल्फिन चिकलेट डॉल्फिन चिकलेट अब भाई कलर ही ऐसा है ना मतलब क्या ही बोलूँ बहुत ही मस्त लगता है देखने में मेरा पर्सनली बहुत ही कूल लगता है इसे देखने में और फेवरेट इस फेवरेट इसमें कौन सा नहीं बोलोगा चिकलेट में और भी वेराइटीज़ है आप लोग अगर चाहते हैं फुल लिस्ट बनाऊं तो डेफिनेटली कमेंट करके बोल सकते हैं मैं ट्राई करूंगा पर मेरे को जो है मतलब एक आ, नोट पैड में बैठे, बैठे बैठे लिस्ट बनाना होगा नहीं तो बोल ही नहीं सकता भाई इतना बड़ा लिस्ट है बहुत सारा वेरायटीज़ होता है चिकलेट्स में मालावी में बहुत सारा वेरायटीज़ आता है एंड देट से उसे बनाना होगा एक लिस्ट पूरा बना के उसके बाद मेरे को जो है वीडियो अपलोड करना होगा आज ही जो है मैं इसे पूरा ए टू जेड अरेंज के उसके बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ट्वेंटी भाई दिमाग में नहीं रहेगा दिमाग से निकल जाएगा कुछ कुछ जो है मेरा बहुत ही पसंद देता है वो रह जाएगा बाकी सब दिमाग से निकल जाएगा एंड दैट्स वाई मैं पूरा लिस्ट बना के जो है वीडियो अपलोड कर रहा सो गाइस so आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगा है इन्फॉर्मेटिव लगाए तो गाइस वीडियो को लाइक करना लाइक के बिना कहीं मत जाना कौन सा फेवरेट है वो डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बोलना और चैनल पर भी ना सब्सक्राइब भी कर देना ऐसा वीडियो इन फ्यूचर रेगुलरली देखने के लिए तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो